पूर्वांचल में 130 में से 2017 में 87 सीटें आपके खाते में गई थी, लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहा है कि 67 सीटें आपको मिल रही हैं। 20 सीटों का नुकसान तब जब ब्रांड मोदी, ब्रांड योगी, सब कुछ आपने दांव पे लगाया है। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक दल के लोग हैं और मीडिया का जो चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उसके सभी सर्वे का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारा विश्लेषण है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से कानून का शासन, गरीब कल्याण का मिशन, पर्याप्त और निर्बाध बिजली की आपूर्ति, एक्सप्रेसवे से लेके गांव तक की सड़कों का निर्माण, बुंदेलखंड में फिर 20 सीटों का नुकसान क्यों, ये तो ज्यादा बढ़नी चाहिए थी पूर्वांचल में। बुंदेलखंड में पेयजल की व्यवस्था, गोरखपुर के क्षेत्र में जो जापानी बुखार का शमन और बेटियों और महिलाओं की जो सुरक्षा सुनिश्चित की है, उसके आधार पे जो भारतीय जनता पार्टी का फीडबैक है वो उस पे हम एकदम मुतमईन हैं कि हमको पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत। समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, 2017 में 14 सीट और एग्जिट पोल में इस समय 50 सीटें मिल रही हैं। क्या ये लग रहा है कि ये जो ओम प्रकाश राजभर या जो अन्य जातियां, छोटी छोटी पार्टियां अखिलेश के साथ हैं, वो फायदा पूर्वांचल में? हाँ, मतलब मैं इसको, इस क्षेत्र में खासतौर से समाजवादी पार्टी का जो बढ़ना है उसको मैं मंडल रिविजिट कहूंगा। और ये फिर से एक वो जातियां जो बैकवर्ड या उन इश्यूज पे जो वोट देती हैं, यानी इसमें खास मुद्दा था बैकवर्ड जो ओबीसी जनगणना, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में था। और दूसरा, जो नरेंद्र मोदी एज पीएम, उनकी छवि तो चाहे बरकरार है, पर कहीं ना कहीं जो सीएम योगी और उनकी कार्यशैली को लेके, क्योंकि वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं, तो ये जो मतलब जो कोरोना में गंगा की लाशों का मुद्दा था, वो आपको लग रहा है कि वो लोगों ने याद रखा और उस पे भी बीजेपी के अगेंस्ट किया वोटर? जी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की विफलताएं रही तो उसकी वजह से भी ये सामने आ सकता है। बीजेपी के जो नेता है वो हंस रहे हैं। मनीष जी, क्यों हंस रहे हैं आप? क्या लाशों का मुद्दा आपके लिए छोटा मुद्दा है, हंसने का मुद्दा है? मुझे लगता है कि जिनको भारत और प्रयाग की संस्कृति का पता नहीं है वही इस बात को उठा रहे थे। जिसको प्रयाग का पता है, प्रयाग में जो गंगा के किनारे की कुछ जातियां हैं जो सदैव से गंगा के बालू के तट, लेकिन ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं आई। मैं इसलिए आपको रोक रही हूं कि आप जिन तस्वीरों का, जिन जातियों का जिक्र कर रहे हैं, भारत ने कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। मैं बताता हूं, 2013-14 में यही उन्नाव के पास अगर आप गई होती, तमाम चैनलों ने दिखाया, आपके चैनल ने दिखाया कि नहीं दिखाया, इस तरह की घटना आई थी। मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, मुझे वहां की परंपरा का पता है, जिन लोगों को नहीं पता है वही है सब बात। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में बड़ा फायदा हो रहा है, बीजेपी की गलती उसका फायदा आपको, या सच में जो छोटी जातियों का साथ आपने लिया वो फायदेमंद रहा? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इन आंकड़ों से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, 10 मार्च तय करेगी आसमान किसका है। क्योंकि आपके हक में नहीं जा रहा एग्जिट पोल, इसलिए आप ये कह रहे हैं? अगर हक में जा रहा होता तो कहते कि हाँ यही फाइनल आंकड़ा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, इन आंकड़ों से बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसके उलट हम एक तस्वीर देख रहे हैं। जिस तरीके से नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, जिस तरीके से कुशासन भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने झेला है, पूरे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने झेला है, तो मैं ये मानता हूं कि इसके उलट आंकड़े आने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, ये पंकज श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में, मैंने अवध रीजन भी देख लिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी दिखा दिया, अब पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस दिख नहीं रही है। प्रियंका गांधी की मेहनत की आप बात करते हैं, लेकिन कुछ आधार बना नहीं है। अब बिल्कुल, आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश के हर, अच्छा बताइए कैसे दिखेगा ये बताइए ना, उत्तर प्रदेश के हर कोने में जो भी मुद्दा रहा हो, उत्पीड़न का मुद्दा रहा हो, चाहे वो हाथरस का रहा हो, उन्नाव का रहा हो, लुम्भा का रहा हो, पूरे उत्तर प्रदेश में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।